पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल ही हमने आपको बताया कि सुनील सिंह की सदस्यता पर खतरा बना हुआ है। जिस तरीके से सीएम नीतीश की मिमिक्री उन्होंने की, सीएम नीतीश को पलटू राम कहा, तो सीएम नीतीश किसी को छोड़ते नहीं है। देखिए, तो कल ही उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था और एक तरीके से मानिए तो उन्होंने रूल्स का डिसोबे किया है। जिस तरीके से वो कल सदन से निकले और सदन से निकलते के साथ मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि कल इस पर व्यापक चर्चा करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो आज आपको बता दें कि इस पर जो है अहम फैसला आज आएगा। अवधेश नारायण सिंह शुक्रवार यानी कि आज इस पर फैसला करेंगे। आपको बता दें कि राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता शुक्रवार को खत्म हो सकती है। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक सुनील कुमार सिंह की सदस्यता खत्म करने को लेकर आचार समिति ने अनुशंसा की है। जांच रिपोर्ट गुरुवार को विधान परिषद के पटल पर लाया गया है, जिस पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह शुक्रवार यानी कि आज फैसला सुना सकते हैं। वहीं सुनील कुमार सिंह और कारी सोहेब ने पिछले सत्र में 13 फरवरी 2024 को सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। आचार संहिता के पास ये मामला पहुंचा, वहीं आचार संहिता की जांच में दोनों दोषी पाए गए। कारी सोहेब ने माफी मांग ली, उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन चौथे सत्र के दिन ये सब हुआ और कल जब पांचवा सत्र था, सुनील सिंह सदन में पहुंचे और इसके बावजूद इन मुद्दों पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अगर वहीं इनकी बात करें कारी सोहेब की, तो इन्होंने माफी मांग ली, तो इनको छोड़ दिया गया, लेकिन सुनील सिंह ने माफी नहीं मांगी, सुनील सिंह ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। तो अब आज हो सकता है कि इनकी सदस्यता चली जाए, एक तरीके से आज इस पर जो है फैसला आएगा। जांच रिपोर्ट में सुनील कुमार सिंह को कारी सोहेब की अपेक्षा अधिक दोषी पाया गया। आचार समिति के रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष के मुख्य सचेतक होने के नाते सुनील कुमार सिंह पर विधायी जिम्मेदारी, नीतियों, नियमों और सदन के संवैधानिक प्राधिकार के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। आचार समिति की जांच की फाइनल रिपोर्ट पर तत्कालीन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कल निर्णय लिया था, वो भी हमने आपको बताया किस तरीके से उनको अब रद्द कर दिया गया था। वहीं सुनील सिंह 2020 में विधान परिषद के सदस्य बने थे, उनका कार्यकाल 2026 तक है, अभी 2 वर्ष बचा हुआ है। लेकिन आज अवधेश नारायण सिंह इस पर फैसला ले सकते हैं, सभापति जो है आज इस पर कड़ी फैसला, अहम फैसला ले सकते। देखिए, आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है, हंगामे के आसार कई ज्यादा। एक और मेन खबर बता दें, तेजस्वी यादव भी आज सदन में मौजूद हो सकते हैं। ये सारी खबर मिला के हो सकता है कि हंगामे के आसार हो, जिस तरीके से सुनील सिंह कर रहे थे कि एक गलती के लिए पूरा अधिकारी मेरे पीछे लग गया, सारे के सारे अधिकारी प्लानिंग करने लगे, तो हो सकता है कि सुनील सिंह आज ये मुद्दा बनाकर और उनके तमाम महागठबंधन के नेता ये मुद्दा बनाकर आज सदन में हंगामा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।